हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अंडा मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने एकदम बहुत फास्ट तरीके से बनाया है और आगे में आप देखेंगे कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से, अगर हम तुरंत खाने का मन हो तो भी हम बना सकते हैं बिना देर लगाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या चाहिए, आगे मैं बताऊँगी। आप ये अंडा करी को आप 30 मिनट में बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम एग को बॉईल करने जाए तो ही मुझे 20 मिनट लगभग लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में एग को बॉईल किया, आप देख सकते हैं मैंने ओनली 1 विसल लिया है साल्ट ऐड करके, तो देख सकते हैं कितना अच्छा बॉईल हुआ है और एग देखिए एकदम अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है सामग्री, क्या क्या हमें चाहिए, तो ये मैंने सारी सामग्री ली है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एग मसाला का लिया हुआ है, एग लिया है, और यहाँ मैंने टमाटर चॉप करके लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मसाले में हम पहले टोमेटो ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक और ये सब ऐड कर देंगे मसाले में। ये मैं खड़े मसाले का यहाँ पे ये यूज करूँगी, आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, ऑयल में हमने डाला है जीरा, तेज पत्ता, जो बाकी जो खड़े मसाले हैं काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और मैंने यहाँ पे लिया दालचीनी का एक टुकड़ा, क्योंकि हमने इसको ऑयल में डाला है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम कम करेंगे और हम यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, जो कि हम मसाले में ही इसको पहले सबसे पहले तेल में भून लेंगे, और ये रेड चिली पाउडर है। और मसाले में भूनने से क्या होता है कि हमारे जो करी होती है उसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, और जो खड़े मसाले हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है ऐड। अब हमने जो टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया, इसका जो पेस्ट बनाया है मैंने, वो पेस्ट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमें भुनना है तब तक जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाए। यहाँ पे हमने टोमेटो को और ऑनियन को सबको साथ में पीसा है, इससे हमारे टाइम बचता है और हमारा जो ग्रेवी है वो भी अच्छी बनती है और फास्ट बनती है। और यहाँ पर मैंने अंडा मसाला को यूज़ किया है, वो अंडा मसाला मैंने डाला है। उसको आप, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अंडा मसाला यूज़ करें, हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग लिया था उसको मैंने छील लिया था, उसके बाद इसमें हम कट लगाएंगे और थोड़ा हल्दी डाल के इसको हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से हम कट लगाएंगे, आप देख सकते हैं, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हल्दी हम को मिक्स करेंगे, आप चाहे तो हल्दी को ऑयल में भी डाल सकते हैं, तो कभी क्या होता है कि ऑयल में डालने से जल जाती है हल्दी, तो आप इस तरह से पहले हल्दी लगाने के बाद इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो इससे क्या है, होता है कि हल्दी से बहुत अच्छा आता है, दिखता भी है एग और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन गया है, और मसाला अच्छे से भुनने के बाद हम इसके अंदर जो हमने अंडे करके रखे हैं फ्राई, उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मसाले थोड़े मैं और भूनूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा अच्छे से भुना नहीं है। और इधर एक साइड में, दूसरी साइड में हम ये एग को भी फ्राई कर ले, क्योंकि हम ये बहुत फास्ट वे से भी 30 मिनट में रेडी कर रहे हैं, तो हम दोनों साइड से काम कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें हमें 10 मिनट करीब लगा होगा, और अब हम ये जो एग फ्राई किए हैं उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद इन मसालों के अंदर हम इसको थोड़ा देर भूनेंगे ताकि अच्छे से, और जो हम एग को कट करते हैं, या आप फॉर्क से भी कर सकते हैं और नाइफ से भी कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि जो मसाले हैं वो अच्छे से अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि एक तरफ पानी भी बॉयल होने रख दिया है, उससे क्या होता है कि हमारा वो भी टाइम बचता है। अगर हम बॉयल पानी डालें तो जल्दी से हमारा जो करी है वो जल्दी से बॉयल हो जाएगी और जल्दी बनेगी। तो एक साइड हमने पानी भी बॉयल कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। और करी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने हिसाब से साल्ट ऐड कर दीजिए आप। तो यहाँ पे मैंने साल्ट भी ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करी में कितनी जल्दी से बॉयल आ गया है, क्योंकि हमने गर्म पानी यूज किया है, इसलिए ये फटाफट, आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये इस तरह से क्या होता है कि जब भी हम मसाले को ऑयल के अंदर हल्दी, धनिया, ये सब डालते हैं तो हमारे सब्जी का, करी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, कलर आया है।
तो एक बार हमने इसको बंद किया और अब हमने एक बार फिर से ओपन किया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और करीबी आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर है। और तो फ्रेंड्स हमारी एग करी रेडी हो गई है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो एक बाउल लिया है मैंने और वहाँ उसमें मैंने ये ऐड कर दिया है और इसको आप रोटी, राइस, नान, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये आप देखिए और रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स आप और मैं धनिया से यहाँ पर डेकोरेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये झटपट अंडा करी रेसिपी कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक बार ज़रूर इस तरह से बना के देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर और फटाफट रेडी हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे।